दोस्तों आज इस वीडियो में हम कर्ण के बारे में बात करेंगे। दोस्तों कर्ण का नाम सुनते ही लोगों के दिलो दिमाग में एक शब्द जरूर आता है, कर्ण एक महान योद्धा था। दोस्तों आज हम कर्ण के बारे में 11 अनसुने रहस्य जानेंगे। दोस्तों कर्ण का नाम सुनते ही हमारे दिलो दिमाग में एक बात और आता है, कर्ण एक बहुत बड़ा महान दानवीर योद्धा था। दोस्तों आज हम इस वीडियो में जानेंगे आखिर क्या खासियत था कर्ण में जो उन्हें महान योद्धा के रूप में जाना जाता है और दानवीर राजा के रूप में जाना जाता है। दोस्तों वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। चलिए दोस्तों जानते हैं। दोस्तों महाभारत में एक से एक योद्धा था, कर्ण से भी महान योद्धा बवरिक था, लेकिन उसे युद्ध करने का मौका ही नहीं मिला। अश्वत्थामा भी एक महान योद्धा था, लेकिन उनकी महानता तब खत्म हो गई जब उसने सोते हुए पांडव पुत्रों को मार दिया। लेकिन दोस्तों द्रोण, भीष्म और श्री कृष्ण को हम इसमें शामिल नहीं कर सकते हैं क्योंकि वे तो देवता थे। दोस्तों दरअसल कर्ण ही एक ऐसे सर्वश्रेष्ठ योद्धा थे जिन्होंने विपरीत परिस्थितियों के बावजूद खुद को एक श्रेष्ठ योद्धा के रूप में स्थापित किया था और यह भी धर्म समस्त रूप से। दोस्तों चलिए 11 रहस्य जानते हैं कर्ण के बारे में। नंबर 1, अर्जुन का साथ देने के लिए जगत के स्वामी थे, लेकिन कर्ण का साथ देने के लिए दुर्योधन ही था। अर्जुन पूर्णतः श्री कृष्ण पर आश्रित थे, जबकि इधर दुर्योधन खुद कर्ण पर आश्रित था। नंबर 2, कर्ण को द्रोण ने वह संपूर्ण शिक्षा नहीं दी जो उन्होंने पांडवों या कौरवों को दी थी, फिर भी कर्ण ने परशुराम से बची हुई शिक्षा छल से हासिल कर ली थी। यदि कर्ण अर्जुन के बराबर योग्य नहीं होते तो भगवान परशुराम कर्ण को शिक्षा देने के लिए तैयार नहीं होते। नंबर 3, कर्ण एक सच्चा मित्र होने के साथ साथ ही दानवीर भी था। स्वयं भगवान श्री कृष्ण इस बात की पुष्टि करते हैं कि कर्ण से बड़ा दानवीर कोई नहीं। कर्ण जब यह जान गया था कि मेरी माता कौन है और मेरे भाई कौन है, तब पर भी उसने मित्रता का धर्म निभाया। नंबर 4, श्री कृष्ण की योजना के तहत कर्ण के कवच और कुंडल को छल पूर्वक अर्जुन के पिता इंद्र द्वारा हथिया लेने के बावजूद कर्ण ने युद्ध को एक योद्धा की तरह लड़ा। दोस्तों आगे कर्ण के बारे में और खासियत जानते हैं। नंबर 5, कर्ण ने जरासंघ को अकेले हराया था, वही भीष्म ने श्री कृष्ण की मदद से जरासंघ को छल के द्वारा मारा था। नंबर 6, कर्ण के पास भगवान परशुराम द्वारा दिया गया शिव का विजय धनुष था। यह धनुष जिस भी योद्धा के हाथ में होता था उस योद्धा के चारों तरफ एक ऐसा अभय घेरा बना देता था जिसे भगवान शिव का पशु पस्त्रात भी भेद नहीं सकता था। कर्ण को महाभारत में तब तक नहीं मारा जा सकता था तब तक कि उनके हाथ में हुआ धनुष था। नंबर 7, कर्ण ने कुंती को वचन दिया था कि वो उनके 4 पुत्रों की जान नहीं लेगा, लेकिन वह सिर्फ अर्जुन से ही युद्ध करेगा। युद्ध के दौरान ऐसा कई मौके आए भी जब कर्ण का सामना भीष्म, युधिष्ठिर, नकुल और सहदेव के साथ हुए। वो चाहता तो उन सभी को मार सकता था, किंतु उसने ऐसा नहीं किया क्योंकि एक योद्धा का वचन ही उसके लिए सर्वश्रेष्ठ होता है। नंबर 9, अश्वसेन बाण का संधान दोबारा ना करना यह भी श्रेष्ठता का प्रमाण है। अश्वसेन एक नाग था जो कर्ण के धनुष पर चढ़ गया था और उसने कर्ण से कहा कि तुम मेरा संधान करो तो मैं वहां पहुंचकर अर्जुन को डस कर अपना बदला पूरा करूंगा, क्योंकि अर्जुन ने खाडव वन दाह के समय मेरी माता को मारा था, लेकिन कर्ण ने अश्वसेन को इनकार कर दिया था। नंबर 10, जब श्री कृष्ण ने कर्ण को बताया कि तुम पांडवों के सबसे बड़े भाई हो, तो कर्ण ने कहा कि हे कृष्ण, मेरी मृत्यु तक पांडवों को यह मत बताना कि मैं उनका बड़ा भाई हूँ, अन्यथा उनकी लड़ाई मेरे प्रति कमजोर पड़ जाएगी। कर्ण की यह बात सिद्ध करती है कि वह पांडवों के प्रति किसी भी
संयंत्र में शामिल नहीं था, फिर भी युद्ध के सामने योद्धाओं की तरह ही लड़ा। दोस्तों, हमेशा रहस्य भरी वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।